Now we will see when the instinct asks us for collaboration and cooperation. Hamlin and Von De Root also adopt the moral tradition harm and fairness based definition of moral concerns that serves for them to distinguish morality from the amoral. Now, I ke ek that traditional and traditional ham ke harm. एक जज्बा मौजूद है नुकसान के बारे में हम उससे बचना चाहते हैं हर सूरत नुकसान से बचना चाहते हैं और मैंटली या इंटूशनली हम फेयरनेस की तरफ ज़्यादा मतवज होते हैं इंसाफ हमारी जबिलत में शामिल है और जो बात के फैसले हैं वो हमारे इन्वामेंट से इंफ्लुंस्ड हैं इसलिए शुरू में जो हम फैसला कर रहे होते हैं वो फेयरनेस पर ही होता है और यहीं हमारा ब्रेन फैसला करता है कि हम मॉरल जा रहे हैं या ए मॉरल यानि अखलाक की बात कर रहे हैं या बे अखलाकी या बद अखलाकी की सो मैसेलो सीस कॉपरेशन कलेबोरेशन एंड जॉइंट कमिटमेंट एज मॉरल एंड एंड दे पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मॉरलिटी और एज सोशल इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट वो ये कहते हैं कि जब बहुत से मॉरल आइडियाज बच्चे सीख रहे होते हैं तो उसमें दो बहुत चीज़ें जो हैं वो कलेबोरेशन और कॉपरेशन भी हैं एक दूसरे से मिल कुछ करना एक दूसरे की मदद से करना एक दूसरे को हेल्प आउट करना तो वो कहते हैं ये अच्छाई है और ये वैल्यू बच्चे सीखते हैं और ये ही यहीं से ही अखलाकियात का एक पहलू शुरू होता है क्योंकि हम सारी उम्र फिर यही सीखते हैं एम्पति सीखते हैं सिम्पती सीखते हैं लोगों के साथ बॉन्ड बनाना सीखते हैं लोगों की खातिर कुर्बानी देखना सीखते हैं तो ये जो चीज़ें हैं अभी से कोलेबोरेशन के थ्रू हम सीखेंगे ईच पॉइंट टू यंग चिल्ड्रेंस एक्ट्स ऑफ इनफ्लिकटिंग हार्म एंड बींग हार्म ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू द डेवेलपमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट्स रिगार्डिंग वेलफेयर यहीं से उनको अंदाज़ा होता है कि दूसरों की और हमारी तकलीफ एक जैसी है दूसरों की और हमारी खुशी या हमारी ज़रूरियात एक जैसी हैं तो अगर हम दूसरों की मदद करेंगे उनको वही खुशी या प्लेयर देने की कोशिश करेंगे जो हमें अच्छा लगता है तो ये वेलफेयर का एक जज्बा है ये फेयरनेस है तो यहाँ पे उनकी जो जजमेंट है वो कम जो कंट्रास्ट और कंपैरिजन है उसके बेसिस पे चलती है मुझे क्या अच्छा लगता है मेरे लिए क्या बेहतर है मुझे क्या पसंद है मेरे साथी को या जिसके साथ मैं कोलेबोरेट करने जा रहा हूँ उसको भी वही अच्छा लगता है उसको भी वही पसंद है सो so उसको भी वही मिलना चाहिए सो so ये एक इक्वालिटी की और फेयरनेस की बात होगी देन बट कलेबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड गोल्स इंक्लूडिंग वंस फॉर नॉन मॉरल एंड मॉरली रॉन्ग एंड्स देखिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप कलेबोरेशन को और कोऑपरेशन को हर दफा पॉजिटिव नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि तावन तो गलत काम पे भी हो सकता है कुछ बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो दूसरे जा उनके साथ कलेबोरेट कर लेंगे या कॉपरेट करेंगे और वो गलत होगा वो अपनी क्लास के किसी कमज़ोर बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं तो सारे मजाक उड़ाना शुरू कर दें वो किसी कमज़ोर बच्चे को मार रहे हैं तो सारे मारना शुरू कर दें कोई एक उनमें से स्मोकिंग शुरू करता है तो बाकी भी स्मोकिंग शुरू कर दें तो आप कलेबोरेशन और कोऑपरेशन को हर तरह से जायज़ नहीं समझ सकते अगर वो पॉजिटिव है पॉजिटिव चीजों में है जैसे हमारे कुरान में भी आया है कि नेकी और भलाई के कामों में ताबन करो और गुनाह के कामों में ताउन ना करो तो बात ऐसी ही है तो जिस जिस के साथ ताउन किया जाएगा उसके साथ अच्छाई पे ताउन किया जाएगा ये जो वैल्यू है ये बच्चों की अखलाकियात की इब्तदा है यानी मिल करना एक दूसरे के लिए अच्छा करना एक दूसरे की मदद करना लेकिन भलाई के लिए सो फाइंडिंग सुजेस्ट यंगर चिल्ड्रन फॉर्म ग्लोबल नॉमेटिव जजमेंट्स तो हमारी बहुत सी रिसर्च हमें ये बताती है के बच्चे अपनी अच्छाई और बुराई का फैसला अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं जिस तरह के नॉम वो अपनाए हुए हैं जिस तरह की वैल्यूज वहाँ अच्छी हैं उनको वो अच्छा समझते हैं जो उनके इर्द गिर्द के लोग जिनको बुरा कहते हैं वो उनके लिए बुरा है सो so, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही अच्छी अखलाक तरबियत कर सकता है ख्वाब वो किसी बच्चे का घर हो उसका स्कूल हो या उसका प्ले ग्राउंड हो जहाँ पर सारे अच्छे रूल्स के साथ चल रहे हैं फेयर हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं खेल रहे हैं बच्चे गिर गए और सब जाके उसकी मदद कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा यहाँ पे बच्चे अखलाकियात सीखेंगे लेकिन अगर मार धाड़ का छीना झपटी का झूठ का कल्चर है झूठ का रिवाज है इर्ग गिर्द तो बच्चे फिर उसी के साथ कलेबोरेट करेंगे वही सीखने की कोशिश करेंगे इसलिए पॉजिटिव इन्वामेंट देना खास तौर पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सिनेरियो में के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर बड़े हों